कंपनी नहीं बंद हो, क्योंकि बंद होने से जॉब लॉसेस भी होंगे, कंपटीशन खत्म होगा, उसके बाद 30 करोड़ लोग का पोर्टेबिलिटी करना या फिर किसी और में शिफ्ट होना इज अगेन अ हेक्टिक टास्क. तो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एंजॉयिंग. लगभग आज से 6 महीना पहले अक्टूबर के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अबाउट द सेल्यूलर कंपनीज टू पे द डेप्ट AGR, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, लगभग 93 से अभी तक का 1,50,000 करोड़ के आसपास टोटल पेंडिंग अमाउंट था सभी कंपनियों में, और जिसके कारण एयरसेल और रिलायंस और छोटी मोटी और भी कंपनियां हैं जो बंद हो गई. उसके बाद अभी पिछले 3-4 दिन से एक और खबर आ रही है कि शायद आइडिया, जो कि वोडाफोन के साथ कोलैबोरेट होके मार्केट में काम कर रहा है, वो भी बंद हो जाएगा. मेरे उस वीडियो पे, अक्टूबर वाले वीडियो पे, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आइडिया और वोडाफोन का क्या होगा सो दिस वीडियो इज फॉर दैट पर्पज ओनली. आइए पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजें, मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार रखे हैं. सबसे पहले बता देते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है एक कमाई का एक हिस्सा जो सरकार को देना पड़ता है सभी कंपनियों को. आप चाहे उसको एज अ टैक्सेशन समझ लें, चाहे गवर्नमेंट को एक परसेंटेज समझ लें, बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल अदर फैसिलिटीज, स्पेक्ट्रम है और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी टैक्सेशन है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंपनियों को प्रोवाइड करती है. सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको इतना देना है. हर एक कंपनियों पे अलग अलग अमाउंट था और कुछ कंपनियों ने चुका दिया है, जैसे कि एयरटेल ने 10,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, आइडिया और वोडाफोन के 50,000 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं और 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने पे कर दिया है. और कंपनी का कहना यह है कि अगर हम 50,000 करोड़ रुपए अगर देते हैं सो हमको अपना कारोबार इंडिया में बंद करना पड़ेगा. एयरटेल ने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, वोडाफोन और आइडिया जो कोलैबोरेट होकर चल रहे थे 25,000 करोड़ दे दिए हैं. उसके बाद अगर वोडाफोन और आइडिया अगर बंद होते हैं तो लगभग 10,000 लोगों को नौकरियां खत्म हो जाएगी. 10,000 लोग उससे जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी. दैट इज अगेन, पिछले साल लगभग 3 करोड़ जॉब लॉसेस हो चुके हैं 2019 में, और ये अगेन एक नया चालू हो जाएगा. और लगभग 30 करोड़ कस्टमर्स उसके अफेक्ट होंगे. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक तो होती है मोनोपोली, जब मार्केट में सिर्फ एक प्लेयर होता है, और अगर आइडिया और वोडाफोन बंद होंगे तो डुओपोली हो जाएगी. डुओपोली मीन्स मार्केट में 2 प्लेयर रह जाएंगे, सिर्फ एयरटेल और जियो. इन दो सिचुएशंस टैरिफ महंगे होंगे बिकॉज कंपटीशन नहीं रह जाएगा. सो कंपनियां अपने मन मुताबिक चार्जेस लगाएंगी, नहीं भी लगा सकती हैं क्योंकि सरकार का कंट्रोल तो है ही है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं. मे बी टैरिफ महंगे भी हो जाए क्योंकि उसको गवर्नमेंट को तो देना ही है. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे उस वीडियो पे, तो मेन मुद्दा ये है कि क्या हमारे नंबर्स बंद हो जाएंगे. तो देखिए, उसके लिए कई सारे रास्ते हैं. उसके लिए सबसे पहला रास्ता है कि इन केस अगर वोडाफोन और आइडिया, जैसे कि मैं भी आइडिया ही यूज़ करता हूँ, मैं रिलायंस में शिफ्ट नहीं हुआ, जियो में शिफ्ट नहीं हुआ, मैं आइडिया ही यूज़ करता हूँ पिछले 10 साल से. अगर वोडाफोन और आइडिया वाइंड अप करते हैं मार्केट से, तो हमारे पास बहुत अच्छी एक सुविधा है जिसको हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं. पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप एयरटेल या जियो के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अक्टूबर वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने उस पर यह भी बोला था कि एयरसेल, जो कि अक्टूबर से 1.5-2 साल पहले बंद हो चुकी थी, एयरसेल के भी नंबर चल रहे थे विदाउट पोर्टेबिलिटी, क्योंकि वो फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की
अंडर आ जाते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उनको चलाता है. सो नॉट टू वरी एट ऑल, उसकी सुविधा देता है. ट्राई इज फॉर दैट ओनली, टू सेव आवर इंटरेस्ट. और उसके बाद पोर्टेबिलिटी एक ऑप्शन और है, लेकिन ट्राई करें कि गवर्नमेंट और कंपनियां कुछ रास्ता निकाल लें कि भाई कंपनी नहीं बंद हो, क्योंकि बंद होने से जॉब लॉसेस भी होंगे, कंपटीशन ख़त्म होगा. उसके बाद 30 करोड़ लोग का पोर्टेबिलिटी करना या फिर किसी और में शिफ्ट होना इज़ अगेन अ हैवी टास्क. तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या होगा, तो नॉट टू वरी एट ऑल, अभी तो डिसीजन भी नहीं आया है कि कंपनी अपना काम इंडिया में बंद कर रही है कि चालू रखेगी. तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन लेटर स्टेज हो सकता है दिक्कतें आएँ. सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया हूँगा. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो जो कि आइडिया और वोडाफोन के इस डिसीजन से रिलेटेड हो, सो कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल्सो. और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको लगता है, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हाउ यू फाइंड दिस चैनल. और मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूँ एक टेक्निकल चैनल भी स्टार्ट करने का, क्योंकि मेरे पास कुछ एक कंपनीज से, दो चार कंपनीज, अच्छी कंपनियों से कॉल भी आए हैं टू जस्ट रिव्यू देयर प्रोडक्ट्स. मैंने होल्ड पे रखा हुआ है बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि वो टेक्निकल पार्ट है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट से ही उसको लेके चलूँ, इधर पे खिचड़ी हो जाएगी. वैसे भी काफ़ी कुछ हो चुका है इस चैनल पे. सो आई एम फाइंडिंग कि एक टेक्निकल चैनल अलग हो. खैर वो तो बात की बात है. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम संजीत सोनी है और आप देख रहे हैं शेडोल डायरीज़.